ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एयर इंडिया की दिल्ली से जयपुर आ रही एक फ्लाइट में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। विमान में तकनीकी खामी के बावजूद यात्रियों को इसमें बैठाया गया और पायलट को उड़ान भरने को मजबूर किया गया। हालांकि जहाज उड़ान नहीं भर पाया। इस विमान में एक केंद्रीय मंत्री और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सवार थे। बेनीवाल ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बेनीवाल ने लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज दिल्ली से हमें एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-9643 से जयपुर जाना था। बोर्डिंग से पूर्व विमान के कप्तान ने हवाई जहाज में तकनीकी कमी खामी का हवाला दिया, उसके बावजूद उन्हें उड़ान भरने के लिए मजबूर किया और यात्रियों को हवाई जहाज में बैठा दिया गया और उड़ान भरने से पूर्व तकनीकी खामी का हवाला देकर जहाज उड़ान नहीं भर पाया। इतनी बड़ी चूकी उक्त हवाई जहाज में बैठने वाले यात्रियों के जीवन को संकट में डाल सकती थी। मेरे साथ उक्त हवाई जहाज में भारत सरकार के मंत्री भी सहयात्री थे और उड़ान रद्द करने के बाद घंटों तक यहां संतोषप्रद जवाब देने वाला कोई जवाबदेही व्यक्ति संबंधित कंपनी का मौजूद नहीं है। क्या यही अच्छे दिन है आपकी सरकार और आपके मंत्रालय के कार्यकाल में? विभागीय मंत्री सिंधिया जी संज्ञान लेकर इस मामले में जिम्मेदारी तय करके व मामले की जांच करके जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करें। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया को निशाने पर लेते हुए मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा और कहा कि यही आपकी सरकार और मंत्रालय के अच्छे दिन है क्या? बता दें, एक तरफ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं ऐसी लापरवाही सामने आना चौंकाता है। मानकर चलिए, अगर इस विमान को दिल्ली से रवाना कर दिया जाता और रास्ते में अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? इस विमान में एक केंद्रीय मंत्री, सांसद हनुमान बेनीवाल सहित अन्य यात्री सवार थे। उनकी जान को खतरे में डालने वाले लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।